हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छे रैंक आए हैं और जो भी आपकी समस्या है आप उस पर मैं बात करने वाला हूँ। उसके पहले आप सभी लोग स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं और जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्या अपने मित्रों के साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। साथ ही साथ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बिकम टीचर। आप बिकम टीचर टेलीग्राम सर्च कर कीजिएगा, वहां से आप टेलीग्राम में जुड़कर जो भी अपडेट पाएंगे तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप BA DLED इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आपकी समस्या है। इसके पहले एक रैंक के वीडियो आ चुका है बिकम टीचर पे, देख लीजिएगा आप लोग। अब जो सबसे बड़ा समस्या ये है बच्चों का कि चॉइस फिलिंग कैसे करें सर, काउंसलिंग कब और कैसे होगा, यानी कब हो सकता है और कैसे होगा, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो इन सारी चीजों को मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको समझना है। सबसे पहली बात ये है, देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करें, काउंसलिंग कब होगा। तो सबसे पहले काउंसलिंग की डेट आएगी, ठीक है। तो जो काउंसलिंग की डेट आएगी रिजल्ट्स के 1 वीक से लेकर, यानी अगर हम बात करते हैं कि 10 डेज तक, ठीक है, 10 डेज तक हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग के डेट का जो पोर्टल है, अगर हम बात करते हैं डीएलएड के लिए 2024 के लिए, ठीक है, वो पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहां से आप लोग काउंसलिंग करेंगे। लेकिन एक और सवाल है कि काउंसलिंग में सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए काउंसलिंग में आप मत घबराइए, काउंसलिंग में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। जो लगेगा वो क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। मेन चीज आपका यही है चॉइस फिलिंग, ठीक है, यही है आपका मेन चीज चॉइस फिलिंग। तो काउंसलिंग का डेट आने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। आप लोग कॉलेज लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है। कैसे तैयार करेंगे कॉलेज लिस्ट आपको, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, यानी कि चॉइस फिलिंग आपको करना है सबसे पहले, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का अगर मैं बता दूं कि 10,000 रैंक है, ठीक है, मान लो वो 10,000 के रैंक में आ रहे हैं, तो 10,000 में के रैंक में अगर आप आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गवर्नमेंट कॉलेज का तो लिस्ट डालेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज का भी जरूर आप लोग लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज का भी आपको लिस्ट तैयार कर लेना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी आप डालेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग कॉलेज अप लिस्ट अप तैयार नहीं करेंगे फिर चॉइस फिलिंग करने जाएंगे उसमें कंफ्यूजन होगा। क्योंकि काउंसलिंग का जो एक बार कर दे है ना, तो उसमें आपका फिर कॉलेज का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सुनिएगा, कॉलेज का आप फेर बदल नहीं कर सकते हैं, फिक्स रहेगा, ठीक है। आपको उसमें जितना कॉलेज लिस्ट चुनना होगा, 10 होता है, 10 से 12, ठीक है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन अभी तक तो इतना ही रहता है। तो आप क्या कर लीजिएगा कि लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। लिस्ट तैयार करने के बाद ही जिनका 10,000 रैंक है, ठीक है, इससे कम है या इससे भी ज्यादा है, तो प्राइवेट कॉलेज जरूर चुन के रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि सारा गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, आपको मिला नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और उसके नीचे जितने हैं तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन 10,000 वाले ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक दो प्राइवेट कॉलेज डाल ही देंगे, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है, तो वो एक दो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज अपने नियर बाई डाल देना, ठीक है। चलिए, तो अब चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करते हैं कि कॉलेज कैसे चुनिएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स ये कब का काम है, एडमिशन का काम है, तो अभी आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है, अभी आपको चॉइस फिलिंग का काम करना है। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे, देखिए चॉइस फिलिंग के लिए आपको मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक PDF पे। जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं PDF, इसमें कॉलेज लिस्ट है सरकारी, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये जितने हैं। इसका अगर हम बात करते हैं कि इसका आपको जो PDF है, यह PDF आपको बिकम टीचर के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहाँ पे, बिकम टीचर के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा कॉलेज लिस्ट, तो वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि नई वाली जो कॉलेज लिस्ट है ना, आपको ये डिटेल नहीं मिलेगा सरकारी है कि गैर सरकारी,
ये पहले वाले लिस्ट हम लोगों ने रखा हुआ है आप सभी के सहूलियत के लिए, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या कर दीजिएगा ना, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर में एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे आपका जो भी जिला होगा ना, जैसे मान लिया मैंने पटना यहाँ पे सर्च किया, तो आप पटना सर्च करेंगे, ठीक है। अब पटना के जितने भी कॉलेज है ना आ जाएंगे, तो आप इसको ऐसा लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने घर के करीब नियर बाई प्राइवेट कॉलेज देख लीजिएगा कि मान लीजिए इधर नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेज नजदीक वाले, क्योंकि खर्च तो अगर मान लीजिए दूर आप गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे तो खर्च तो बढ़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि आप रहने का खर्च तो बात तो प्राइवेट कॉलेज के बराबर हो जाएगी। इससे अच्छा मैं घर पे रह के प्राइवेट कॉलेज में ले लूंगा। तो थोड़े बहुत आपको ये सब चीजें दिमाग लगाना होगा और लेकर चलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो बात हो गई कि काउंसलिंग जब से होगा, चॉइस फिलिंग के लिए आप क्या कीजिए, लिस्ट तैयार कीजिए। क्या करना है आपको, लिस्ट तैयार करना है। कैसे, मैंने बताया कि 10,000 रैंक वाले जितने बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेज रखना है, ठीक है, और एक दो तो सब रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं नियर बाई वाले। तो ये जो काउंसलिंग होगा ना चॉइस फिलिंग के लिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डायट कॉलेज, कितने सीट हैं, कॉलेजेस कितने हैं, तो आपको इससे भी बहुत सारा थोड़े बहुत मोटिवेशन मिलेगा। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो 54 है, लगभग कितने हैं, 54 है। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, 54 है। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो 252 है लगभग, ठीक है, ये सारे लगभग की बात हो सकती है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतना है। डायट कॉलेज बात करते हैं तो डायट कॉलेज क्या है, 306, ठीक है, क्या कितने हैं, 306 है। अब इसी में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब टोटल सीट की बात करते हैं कि टोटल सीट कितनी है, सीट जो है हमारी 30,700। गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, 9,100, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, तो प्राइवेट कॉलेज है लगभग 21,600। तो इतने सीट हैं और इतने कॉलेज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके हिसाब से कॉलेज लिस्ट जब आप तैयार करेंगे, ठीक है, यानी कि जो आपका चॉइस फिलिंग है, तो आपको क्या करना है, अपने पसंद के ऊपर रखना है, या ये सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है, जो चॉइस फिलिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, तो जैसे कि आपको सबसे पहले आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन यहीं पे होना चाहिए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ, तो उसको एक नंबर पे रखिएगा। मेरी बात समझ आ गया, मतलब माई फेवरेट यहाँ पे रहेगा कि मैं जो चाहता हूँ, मेरी पसंद, आई लाइक इट, ठीक है, वो वाला। फिर दूसरे नंबर नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसमें नहीं हो तो मेरा इसमें होना चाहिए। तो आप क्या करना है, टॉप से ऊपर से ऐसे सजा के रखिएगा, 3, 4, नहीं होगा तो लास्ट में। ये नहीं कि जो नहीं होगा उसको सबसे ऊपर और जो मेरा पसंद है उसको नीचे, ठीक है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसे ही करना है। तो आपको मैंने बता दिया है सब कुछ उपाय काउंसलिंग के लिए, आप सभी को इंतजार कीजिए, 1 वीक 10 डेज। मेन है चॉइस फिलिंग, इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, ठीक है, आपको बस चॉइस फिल करना है। कैसे करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, वो अवेलेबल है, फिर से मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से कर लीजिएगा। अब एडमिशन के समय आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ठीक है, तो उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि अभी से ही कई बच्चे अभी तक इसके पहले बहुत सारे वीडियो बन चुका है और कई स्टूडेंट्स अभी तक इस पे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं, ठीक है, यानी डोमेसाइल हो गया। तो ये सारी चीज सबको आपको ध्यान रखना है कि डीएलएड का आपको जो ये मार्क्स आया है ना, रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये मार्कशीट रखिएगा। डीएलएड का एडमिट कार्ड जरूर रखना है, 10th मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, 12th मार्कशीट, 12th एडमिट कार्ड, ठीक है। सीएलसी है, सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन वाले होंगे तो ग्रेजुएशन का देंगे, जिनका जो होगा भाई, जो लास्ट पढ़ाई जहां से किए हैं वहां से निकला के दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर जिनको मान लो अभी मिला नहीं है 2-3 महीने का, ये भी सबसे ज्यादा समस्या है कि 2 महीना बाद मिलेगा, अभी आया नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप कुछ मत कीजिएगा, कॉलेज में एडमिशन के समय आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखिएगा एडमिशन के समय कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 1 से 2 महीने के लिए समय दी जाए कॉलेज में, इसके बाद में आपको जैसे ही मिलता है मैं जमा करा दूंगा, ठीक है। मतलब पूरे आपको इसमें फुलफिल अच्छे तरीके से आपको करना है, ये नहीं कि आपने लिख दिया आपका सीएलसी आ गया, आप दिए नहीं, तो वो आपकी नैतिकता सही नहीं है ना, तो आपको ये सब चीजें आपको करना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसाइल, इनकम सर्टिफिकेट। तो कास्ट क्या है भाई,
जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर डोमिसाइल की बात करते तो निवास प्रमाण पत्र, ये लेटेस्ट आप रखिएगा। और इनकम सर्टिफिकेट अगर बात करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र भी लगता है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, 1 मार्च से 31 मार्च तक ऐसे जो एनुअली चलता है, वित्तीय वर्ष जिसको कहते हैं, वो समाप्त हो जाता है ईडब्ल्यूएस, तो हर साल बनवाना होता है, तो आप लोग बनवा ही लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, आप लोग बनवा लीजिएगा। तो ये जाति निवास लेटेस्ट है, 6 महीना का 1 साल का, इधर आए तो खैर 6 महीना 1 साल का रहता है, वो चल जाता है सब, ये है तो ठीक है। अगर पुराना हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया तो बनवा लीजिएगा, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। आधार कार्ड, मतलब कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, इसका समझ 5 फोटो रखिएगा, और जो फॉर्म सबमिट प्रिंट है, ठीक है, ये जिनके पास है ये भी रखना है, ठीक है। तो क्योंकि कई कॉलेजेस को मैंने देखा हुआ है कि मांग देते हैं, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर है तो इसका भी रखना है, फॉर्म सबमिट प्रिंट रखना है, ठीक है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कब का है, एडमिशन के बाद का है, ठीक है, मतलब जब एडमिशन होगा तब का है, ये काउंसलिंग वगैरह करने के बाद, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया हुआ है, वो जो रैंक देखे हैं आप लोगों ने बीकॉम टीचर पे रैंक, अगर जिनको अभी तक नहीं देखा है, जाके एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद जितने भी ये चीजें में हम लोग बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ से समझ के आपको लिस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। और जो भी बच्चे, अगर आपके भाई बंधु जिस तरीके से बीकॉम टीचर के माध्यम से अच्छे रिजल्ट हुए हैं, एक बार फिर से बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो बच्चे 2025 डीएलएड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए उत्सव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये 1 जुलाई तक ऑफर प्राइस चल रहा है 599 में, इसके बाद ये फिर बढ़ जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है, जिसमें लाइव क्लास, क्लास पीडीएफ, ऑल सब्जेक्ट। सबसे खास बात, आपको 149 एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, जिसमें डीएलएड पीवाईक्यू फ्री मिल जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस ईयर, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस का मतलब ये हुआ कि जो लाइव क्लास आपने छूट गया और वो आपने नहीं देख पाए, तो वो क्लास रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जिन बच्चों को अगर लगता है कि अगर मुझे तैयारी करके सरकारी कॉलेज चाहिए, तो इस बैच, उत्सव बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों को सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, डीएलएड बिहार, डीएलएड मैथ्स अनंत बैच जो है, ये आपको लाइव क्लास, इसमें भी क्लास पीटीएफ, बाइलिंगुअल क्लास चलेगा हिंदी मीडियम, मैथ फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाई होगी, मतलब अनंत बैच, आपको 0 से लेकर अनंत तक, यानी अगर हम बात करते हैं हीरो तक, ठीक है, यानी मैथ आप लोग का स्ट्रांग हो जाएगा जिनको डीएलएड मैथ्स पढ़ना है। तो इसके लिए आपको जो ये प्राइस है, ये 499 था, यानी कि 399 10 दिन के लिए ऑफर चला गया था, अब जो ये फी है, अब ये 499 हो गया है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस बैच से रिलेटेड, तो आपको इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप बीकॉम टीचर टेलीग्राम प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, बीकॉम टीचर एप्लीकेशन को, यहाँ से इस तरीके का इंटरफेस होगा, आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप लोग रजिस्टर करके लॉग इन करेंगे, तो आपको ये एप्लीकेशन का इंटरफेस मिलेगा, उसका बैच होगा, पेड कोर्स में जाकर यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर मैं बात करूँ कि अभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, इस डेलेट रिलेटेड जो भी आपको सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, कमेंट से वहां से हम लोग बात कर लेंगे, जो भी आपकी समस्या होगा उसका हल जरूर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहेंगे, आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अनदर अपडेट में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।